नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स में। डियर, हम लोग आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग देख पाए होंगे थंबनेल पे, अंतिम प्रहार। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग अपने आगामी एग्जाम, जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला 2021 का, उसके लिए एकदम सब वेल मैनर्ड, वेल प्लान्ड वे में, एकदम सिस्टमेटिक, आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, स्टडी मटेरियल के साथ, डाउट सेशन के साथ, एक कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, साथ में आपके डाउट सेशंस होंगे, वीडियो लाइव क्लास होगी, और इसके अलावा आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। डियर, आपको सिर्फ ये करना है कि अपने अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ना है, उनको बताना है, उनको समझाना है, कि वो साथ में आप भी टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, हम लोग मिलके कुछ अच्छा करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम अकेले नहीं है इस बार अपनी टीम पूरे साथ में है। तो अब समझ सकते हैं आप कि अगर एक और एक 11 हो सकता है, तो हम लोग इतने लोग हैं, क्या से क्या हो सकता है। तो बस, और आपको ऑलमोस्ट चेहरे पहचान वाले ही आ रहे होंगे, जैसा आप लोग देख पा रहे थे लास्ट पिछले 2-3 महीनों से कि क्लास रेगुलर वे में नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सारे सर आप लोगों के रेडी हो गए हैं, एक मूड में आ गए, एकदम फॉर्म में आ गए हैं कि अब हम लोग पूरी ताकत के साथ, कोरोना तो अपना करेगा, अपना कोरोना काम करने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना से हम अपनी जंग को कमजोर नहीं होने देंगे। जितना कोरोना अपना उधर करना करते रहे, हम लोग अपनी मजबूती को और ताकत तरीके से और अलग तरीके से मेहनत करके अपने एग्जाम को सफल बनाएंगे। सारे सर हम लोग मिलकर कुछ अलग करने वाले हैं, और आपको भी सर लोग बताएंगे कि किस प्रकार से, कौन से सब्जेक्ट में हमें करना है, कैसे पढ़ना है, और किस प्रकार से हम लोगों की स्ट्रेटजी होगी, ये सर लोग आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा उमाकांत सर से। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चाहे वो बात हो रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात हो, चाहे वो हेरिडिटी की बात हो, सब में आप लोगों को मास्टर बना चुके हैं। लेकिन अब तक आप जो पढ़े हैं उसे किस प्रकार से आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, वो सर आपको सिखाएंगे। उमाकांत सर, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप लोगों को जैसा कि पता है, बताने की कोई जरूरत तो है नहीं कि मेरा वैसे चेहरा आप लोगों ने जाना पहचाना ही है ना। तो मैं आप लोगों को पढ़ाता क्या हूँ ये भी पता है। जैसे आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो बायोलॉजी में आप लोगों को मैं पता है, आप लोगों को पूरा पता है कि आप लोगों को करना क्या है बायोलॉजी में, क्या कैसे तैयार करना है, क्या करना है, वो आप लोगों को, इसके लिए आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ठीक है। जो भी करना है मुझे करना है, बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करिए कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए। वो किसी भी इंस्टीट्यूट का ये मायने नहीं रखता है, वो किस कोचिंग में पढ़ रहा है, किस कॉलेज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस उसे क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग के साथ यार लगना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। जब आप लोग जुड़ेंगे तभी तो हम लोग मोटिवेट होंगे ना यार। कुछ अगर पता, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, खोने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है यार, कुछ चाहिए नहीं। हम आप लोग से कोई पेड कोर्स नहीं है, ना कोई पैसा लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बस आप लोग को क्या करना है, जुड़ना है, और आप लोग को क्या करना है, क्लासेस कंटिन्यू करनी है, ठीक है। और आप लोगों को बेहतरीन, हमारी जो टीम लॉन्च हुई है ये आप लोगों के लिए हुई है, हम लोगों को पर्सनली कुछ नहीं करना है यार, बस आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, और मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। और ये टीम पूरी एकदम बेहतरीन टीम है, आप लोगों के लिए बेहतर प्रैक्टिस सेट करवाएगी, बेहतर सिलेबस कंप्लीट आप लोगों का हो ही गया जैसा कि। और आप लोग ये बिल्कुल ही मत सोचिए कि आप लोगों को एग्जाम नहीं होने वाला, ये सब तो बिल्कुल अपने दिमाग से हटा ही दीजिए, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं यार, ठीक है। अगर यार आप लोग बिना एग्जाम दिए पढ़ के पास भी हो गए तो क्या ऐसा फायदा, पढ़ने के बाद क्या फायदा बताइए, आप लोग क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अपने दूसरे सर को जो है देना चाहूंगा। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो प्रारंभ हो चुका है, और मैं आप लोगों को इस मन से, यूनिक टॉपर्स के मन से, जो हिंदी है उसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। और आपको एक बात ध्यान में आना चाहिए कि जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो वाणिज्य संकाय का हो, चाहे वो विज्ञान संकाय का हो, चाहे वो कला संकाय का हो, लेकिन उसमें जो हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो नंबर आते हैं उसी सब्जेक्टों में आते हैं, क्योंकि वो जो आपका सब्जेक्ट होता है काफ़ी मार्क्स गेनिंग होता है। तो मैं आपको सारी कलाओं के साथ आपको हर चीज़ में माहिर करूंगा, चाहे वो निबंध लेखन हो, चाहे वो पत्र लेखन हो, क्योंकि उसमें कई प्रकार के अपठित गद्यांशों के साथ साथ अपठित पद्यांश भी आते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर उठते हैं। तो मैं उन सारी बारीकियों को आपको समझाऊंगा ताकि आप अपने आगामी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, और इस यूनिक टॉपर्स के मंच को आप अपने अंकों के द्वारा काफ़ी सुशोभित करें और इसका नाम पूरे देश में फैलाएं। और आगे के लिए मैं सर को देना चाहूंगा, जो आपको अपने सब्जेक्ट में प्रफुल्लित हैं। हेलो, हाँ, मैं आपका यूनिक टॉपर में फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं जो आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, जैसा कि आप सब जानते हैं इंग्लिश में दो तरह की चीजें होती है, जैसा कि लैंग्वेज और लिटरेचर है। तो जैसी लैंग्वेज और लिटरेचर, जो भी इसमें आपको क्वेश्चन और पीडीएफ दिए जाएंगे, आपको सारी चीजें टेलीग्राम से आपको जुड़े रहना है, और मैं इस पर सारी जो आपके डाउट्स है और जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सबको आपको समझाऊंगा, उसको सॉल्व भी कराऊंगा, और आपके पीडीएफ के थ्रू आपको सारे टेलीग्राम पे चीजें भेजी जाएंगी।
इसलिए आपसे ये मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी उन सबको बताइए जो आपसे जुड़े दोस्तों हैं, उन सबको शेयर करिए, उनको बताइए कि चीजें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उनके लिए भी कितने आने वाले आपके एग्जाम के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश के हिसाब से देखते हुए जो आपके हर साल के जो प्रीवियस के क्वेश्चन उन सबको मैं आपको बताऊंगा, लेके आऊंगा पीडीएफ के थ्रू और एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा। ये नहीं कि जो क्वेश्चन है मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको सारी एक एक चीज आपकी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा पीडीएफ के थ्रू भी, जो आपके डाउट सेशन है आपको जो जो भी क्वेश्चन है आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। प्लीज आप लोग लगे रहिए, बस हमारी मतलब जो भी चीजें हम दे रहे हैं उस चीजों का आप रेगुलर रहिए, प्लीज हमसे जुड़े रहिए और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर करिए, सबको बताइए कि आप सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और जो भी आप जिस समय जो चल रहा है माहौल इस चीज का ध्यान रखते हो, प्लीज आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिए और प्लीज रेगुलर क्लास करिए और हम सबसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। लीजिए आप, जैसे आप सब जानते हैं आपके अगले वाले सर कुछ बताने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह, मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि मेरे जितने सर हैं आप लोगों को बता ही दिया है कैसे प्रोग्राम होना है, तो मैं पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट बारे में बात करता हूँ। देखिए हर सब्जेक्ट ठीक है लेकिन जो फिजिक्स है थोड़ा सा क्या होता है, फिजिक्स को हमको समझना होता है क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, फिजिक्स में काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है। लेकिन हम लोग जो ये क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं जितने भी बच्चे हैं उनको फिजिक्स में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, इट्स माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको डेली विद न्यूमेरिकल विद कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और आपको जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू टेलीग्राम के थ्रू आपको दिया जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है फिजिक्स पढ़ने के लिए, आपको फिजिक्स रटना नहीं है, इसमें फिजिक्स आपको समझना है और ऐसा समझना है कि आपको जिंदगी में फिजिक्स के लिए फिजिक्स आपको प्यार हो जाए, ठीक है। मैं अगले सर को देता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं अर्चित श्रीवास्तव आपकी क्लास लेने वाला हूँ एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा पोर्शन और सबसे ज्यादा नंबर किससे मिल सकते हैं, एक तो यह मैथ्स है और दूसरा है सोशल साइंस। तो सोशल स्टडीज की क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेंगे, जैसे कि पहले ही चार भागों में बांट के बच्चे भयभीत हो जाते हैं देख करके, डर जाते हैं कि हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, फिर इकोनॉमी भी पढ़ना है। लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारी तैयारी आपको इस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। प्लस आपको इतने तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको नोट्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको बस क्लासेस के साथ लगे रहना है, क्लासेस को बस देखना है और बस समझना है, समझने के लिए भी आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है, दिन का अपना थोड़ा टाइम तो निकाल लो यार, आखिरी है ये, अंतिम प्रहार है, दूसरी बार हाई स्कूल तो करना नहीं है, करना एक ही बार है, पूरी जान लगा दो या फिर जाने दो, एग्जाम तो देना ही है सबको। तो आ करके इस प्लेटफॉर्म पे यूनिक ऑनलाइन गुरु की तरफ से जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो कर दो यार, मेहनत ही नहीं करनी है, बस थोड़ा सा टाइम देना है हम लोगों को, ओके ठीक है। अपने सारे दोस्तों को और सारे लोगों को बता दीजिए, झाड़ करके सबको बता दीजिए कि बस स्टार्ट हो गया अंतिम प्रहार और चिड़िया की आंख पर निशाना लगाते हुए अर्जुन की तरह कूच करो मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, धन्यवाद। देखिए कुछ बातें आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात, ये क्लास जो हमारी चल रही है वो यूनिक टॉपर्स चैनल पे चल रही है, चाहे तो आप इस वीडियो को यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे देख रहे हैं, चाहे तहलका चैनल पे देख रहे हैं, चाहे किसी और भी चैनल पे देख रहे हैं, बट यू मस्ट बी श्योर कि आपकी क्लास जो चल रही है यूनिक टॉपर्स पे चल रही है। सुबह के 7 से 11 क्लास चलेगी, टाइम नोट कर लेना अपने डायरी में बच्चा, सुबह के 7 से 11 क्लास चलेगी आपकी। सुबह उठना, बढ़िया से चाय के साथ बैठना हम लोगों का, और चाय से लेकर के अगले लंच तक हमारे साथ रहना है। हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल वे में आपको चाय भी देंगे, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड के हो बिल्कुल परेशान मत होना मेरे भाई, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास लेकर आए हैं और जबरदस्त मेहनत करके लेकर आ रहे हैं। ये समझ लीजिए थोड़ा सा क्लास लेट भले शुरू हुई है लेकिन हमने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर लिए हैं, सारे सर लोगों ने आप लोगों के लिए नोट्स रेडी किए हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको सब्जेक्ट वाइज और डे वाइज का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। टोटल शेड्यूल अपना मात्र 30 दिन का है, आज 30 दिन शेष लिखा है, कल आपको 29 दिन शेष लिखा मिलेगा और ऐसे करते करते आपका एक दिन शेष होगा जिसके एक दिन बाद आपका एग्जाम होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन 30 दिन में अब तक आपने क्या पढ़ा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आपको कैसे पढ़ना है यह जिम्मेदारी हमारी है, ये स्ट्रेटजी हम तय करेंगे कि कैसे आपको आगे पढ़ना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर कोई दिक्कत है किसी पेरेंट्स, बच्चे अगर पेरेंट्स देख रहे हो अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो वो हमसे काउंसलिंग भी पर्सनली करा सकते हैं, वो ऑफिस में आ सकते हैं, हम लोग सलोरी प्रयागराज में हैं, आप चाहें तो हमारी ऑफलाइन ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यूनिक क्लासेस नाम से हम लोगों की कोचिंग है, बिल्कुल पर्सनली आप हमसे विजिट करिए, कॉन्टैक्ट नंबर है और जो नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करिए,
तुरंत कॉल करिए, अभी तुरंत आपको कॉल करना है। किस लिए कॉल करना? पहले तो इसलिए कॉल कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ पाए, दूसरा आपको इसलिए कॉल करना है कि आपको टेलीग्राम चैनल का डेली लिंक प्रोवाइड, आप चैनल को जोड़ दिया जाए, तीसरा आपको इसलिए कॉल करना है कि आपको नोटिफिकेशन में, चौथा आपको इसलिए कॉल करना है कि कोई आपको अगर पर्सनल दिक्कत हो रही है क्लास रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आप तुरंत इस नंबर पे कॉल करिए और हम आपसे तुरंत बात करेंगे, हम पर्सनली हम टीचर्स लोग ही बात करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात याद रखना, कुछ को हम लोग पढ़ाते कुछ को आप लोग पढ़ाते हो। मैं आपसे स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं कि कुछ को तो हम लोग पढ़ाते हैं कुछ को आप लोग पढ़ाते हो, और मेरे बच्चे याद रखना इस बात को कि हम लोग जो सीखेंगे वो अभी नहीं भूलेगा और कभी नहीं भूलेगा, मेरी बात याद रखना। मैं पिछले एक साल से चिल्ला रहा हूं, एक साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि जो भी हम लोग सीख रहे हैं ना बच्चा ये कभी नहीं भूलेगा, ये हम लोग की गारंटी 100% गारंटी है, पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। और एक बार फिर से मैं सर लोगों का परिचय करा दूं आप लोगों को, हो सकता हो जल्दीबाजी में सर लोग आपको वैसे तो डीप में बताएं, क्योंकि हम लोग सोचे हैं कि ये वीडियो थोड़ी छोटी हो ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, आप लोग एकदम बिल्कुल कमर बांध के रेडी हो जाइए। आप किसी भी स्कूल के हो, किसी भी स्टेट के हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, किसी भी कोचिंग के हो, कोई मतलब नहीं है, सीधे आप जुड़िए। ये जो आपका टॉपर्स परिवार है ना गुरु, आपको टॉपर्स बनाने वाला है, याद रखिएगा। अब अग्नि परीक्षा आ गई है और अब हम अंतिम प्रहार करने वाले हैं, और ये आपका नहीं, ये हमारे पूरे परिवार की परीक्षा है, ये आपका एग्जाम नहीं है, ये पूरे टॉपर्स चैनल का परीक्षा है, ये पूरे टॉपर्स चैनल का एग्जाम है। यही सोच के हम लोगों ने इस चैनल का नाम यूनिक टॉपर्स रखा था। जब ये चैनल के नाम रखने की बात हो रही थी तो हम लोग सोचे, हम लोगों ने प्रण लिया था, एक संकल्प किया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको टॉपर्स बनाने का। एकदम आप जुड़ो ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, कोई भी दिक्कत हो बताओ। आप जैसा कि सर ने बताया होगा, उमाकांत सर आप लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से बायोलॉजी कराने वाले हैं, आनंद सर आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं और राहुल सर आपको इंग्लिश सिखाएंगे, इधर आपको अर्चित सर है, आप जैसा कि करंट अफेयर में कुछ लोग देखते होंगे, सर आप लोगों को सोशल साइंस सब कुछ कराने वाले, दोनों भाषाओं में कराने वाले हैं, और संदीप सर को तो कहना ही क्या है। बात समझ में आ रही सबको, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मामले में एकदम एक्सपर्ट है, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। साथ में मैं आप लोगों को इस बार मैथ्स कराने वाला हूं, बिल्कुल आप परेशान रहते हैं मैथ्स को लेकर के, तो पर्सनली आई विल सॉल्व, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल टाइप ऑफ योर प्रॉब्लम, और मेरे साथ हरिओम सर भी रहेंगे, अभी एक दो सर एबसेंट है वो लोग भी आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, विनय सर भी आएंगे, मतलब हम लोग पूरी मेहनत के साथ करेंगे, पूरी लगन के साथ करेंगे, अपना 100% देंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह 7 बजे पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सब लोगों को खुदा हाफिज़, जय हिंद, नमस्कार।